हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे मोलटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, आज के डेट पे ये शेयर आपका हाई गया था 121.50 पे, लो गया था 109 पे। एंड आज के डेट पे ये शेयर आपका रिटर्न मतलब माइनस पे है, -3.94% ये शेयर आपका गिरा है। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹313.49 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹303.40 करोड़, एंड पीई रेशियो है 25.9। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका किसी भी तरीके का कुछ भी डेप्थ नहीं है, जो कि फंडामेंटली एक आपका अच्छा बात है। कंपनी के पास अभी कैश है ₹10.09 करोड़ और इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.23। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹4.29, रिटर्न ऑन इक्विटी है 18% एंड आरओसीई है 26.14%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर इस कंपनी का देखिए रेवेन्यू की बात कर रहे, देखिए हर एक आपका क्वार्टर में रेवेन्यू की अगर बात करें तो देखिए हर एक क्वार्टर में इस कंपनी ने आपका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए हर एक क्वार्टर में इस कंपनी ने आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ आपका लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा आपका कॉल यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पे लास्ट चार क्वार्टर में इस कंपनी आपका कॉन्टिन्यूसली आपका प्रॉफिट में है, लेकिन हाँ लास्ट क्वार्टर में आपका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। ओके, ये जो कंपनी है मोलटेक टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग है 52.15%, प्रोमोटर्स का होल्डिंग है आपका 47.83%, एफआईआई का है 0.02%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। लेकिन ये जो आपका 47.83% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें ओनली आपका 0.19% शेयर प्लेज है, जो कि मुझे उतना ज्यादा कुछ नेगेटिव भी नहीं लगता। ओके, लास्ट एक महीने में इस कंपनी ने आपका रिटर्न दिया है 37.23% का, और एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिया है आपका 132.70% का, जो कि मेरे हिसाब से एक साल के लिए एक अच्छा रिटर्न है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार चार्ट पे, एंड वहां पर जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा से ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया, तो देखिए कल का डे पे यहाँ पे एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाई सिग्नल भी दिया था, लेकिन आज के डे पे यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। और अभी ये शेयर डेली चार्ट के हिसाब से आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज, तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही टटकता हुआ दिख रहा है। RSI भी यहाँ पे देखिए आपके अबव 60 और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है, ठीक है। लेकिन और एक चीज देखिए यहाँ पे देखिए आपका 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के बीच में एक क्रॉसओवर फॉर्म हो चुका है, और मैं हमेशा कहता हूं जब भी ऐसा क्रॉसओवर फॉर्म होता है तो टेक्निकली शेयर का ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, जो कि टेक्निकली एक आपका अच्छा बात है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया, तो पहला चीज देखिए ये आपका था 2022 मार्च का पहला वीक, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाई सिग्नल पे दिया था, तब से देखिए शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है। और यहाँ पे देखिए लास्ट चार वीक से यहाँ पे हम लोगों को कॉन्टिन्यूअसली आपका पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और इस शेयर ने इसका जो लास्ट हार आई था उसको भी तोड़ दिया, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर टटकता हुआ दिख रहा है। अगर RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे देखिए आपका अबव 60 है, और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश साइन शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया, तो देखिए इस महीने में यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा है, एंड इसी कैंडल में सुपर टेन ने बाई सिग्नल भी दिया है, एंड मंथली चार्ट के हिसाब से भी अभी 50 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर टटकता हुआ दिख रहा है।
RSI भी यहाँ पे देखिए आपके अबव 60 है और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों टाइम फ्रेम में ये शेयर हम लोगों को बुलिश साइन शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका कारण मार्केट प्राइस है लगभग 111, इस प्राइस पे आपका फेस एंट्री करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्राइस है इसका जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है 116, उसके नजदीक ही आपका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों को इस शेयर में फेस एंट्री लेना चाहिए तो उसका सही टाइम होगा, एक बार इस शेयर को 116 के ऊपर क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद इसमें आप लोग फेस एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद जो इसका टारगेट होगा वो आपका होगा 145, जो कि मुझे जो लगता है कि एक बार अगर एशियर 116 का जो टारगेट है, मतलब जो लेवल है, उसके ऊपर अगर क्रॉस करे तो 145 अचीव करने में इस शेयर को ज्यादा से ज्यादा आपका 3 से 4 महीना लग सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कॉन्सल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।